मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 2 दिवसीय रायगढ़ दौरे से रायपुर वापस लौट आए हैं। रायगढ़ से लौटने के बाद सीएम साय ने हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर कहा कि रायगढ़ में चक्रधर समारोह का बड़े ही गरिमामय वातावरण में शुभारंभ किया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि राजा चक्रधर सम्राट ने ही रायगढ़ का नाम विख्यात किया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन मामले में सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और वह अपना धर्म निभा रहे हैं। कल रायगढ़ में चक्रधर समारोह का शुभारंभ किए राजा चक्रधर सिंह, जो संगीत सम्राट के रूप में विख्यात हुए और रायगढ़ का नाम पूरे दुनिया में विख्यात किए, तो उनके यादगार में और उनकी भी जन्मतिथि गणेश चतुर्थी के दिन है। पिछले गणेश चतुर्थी से ही चक्रधर समारोह होता है, तो कल चक्रधर समारोह का शुभारंभ किए और उस कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी थे, जो हमारी सरकार के कृषि और ट्रैवल मंत्री हैं, और रायगढ़ जिले के गौरव और वहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारी सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी थे। हमारे वहाँ के दोनों सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी और राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे और बड़े गरमामय वातावरण में चक्रधर समारोह का शुभारंभ किए हैं। और कल प्रारंभ में ही पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी का राधा रास बिहारी का कार्यक्रम हुआ, जो बड़ा अद्भुत था, लोगों ने बड़ा पसंद किया।